भगवंत मान ने 16 तारीख में क्या कि लोगों को एक तोहफा दिता जाएगा, इससे थोड़ा की कहना जी? देखो मैं समझदा हैगा कि जिहड़ी चीफ मिनिस्टर ने कहा हैगा कि तोहफा दिता जाऊगा, तोहफे का मतलब तो होंगे नवीं चीज़। जे कोई उन्होंने किए हुए वायदे जो कोई चीज़ जारी करते हैं वह तोहफा नहीं, वो तो ऑलरेडी डिकलेयर्ड ने, कमिटेड ने, तो वह हुण तोहफा की देंगे ने ये तो उदों ही पता लगू, क्योंकि अगे भी एक बार क्या सी बहुत वड्डा तोहफा देने दे, मगरों एक हैल्पलाइन जारी करती तो तोहफा गिण लिया। पर मैं समझना कि जो कह कि कल 300 यूनिट मुफ्त करके तो 8 घंटे का कट ला के तोहफा देना है तो कोई गल नहीं गई। दैट इज़ देयर कमिटमेंट कि हर पंजाबी 24 घंटे तो 300 यूनिट मुफ्त, ये केजरीवाल साहब की पहली गरंटी है पंजाबियों। हुण भगवंत उन्होंने देखना मान साहब ने कि उन्होंने केजरीवाल वाली गरंटी किन्नी क लागू करनी किन्नी नहीं करनी, कि गल्लां ही रहण देणियां है जी, गल्लां दा कड़ा बनाउणा, ये हुण उन्हां नूं पता लगू। पर मैं एक गल पक्की कह सकदा कि लोग हुण मजाक नहीं चाहते, लोग असलीयत विच काम चाहते ने, काम होने चाहिए ने। देखो अज पढ़िया अखबारां कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे ने एजुकेशन देखण लई। मेरा एक ही बेनती है मुख्यमंत्री जी नूं कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाण तों पहलां जिहड़े मैरीटोरियस स्कूल ते आदर्श स्कूल बाल साहब ने बनाए सी अकाली गौरमेंट वेले, उन्हां नूं जरूर विजिट करो। तो जे उदू बाद तुसीं इहो जिहा स्कूल दिल्ली च कोई लभ लो तो जरूर आके सानूं लानत पा देना। गल लोड़ तां है जिहड़े पंजाब च बणियां होईयां चीज़ां नूं उन्हां नूं संभाल के अगे चलाउण दी, बजाए ड्रामे करके जां गल्लां करके जां लारे ला के जां थोके पकौड़े पका के उन्हां नाल गल्लां नहीं बणनियां। देखो बिल्कुल गलत है, निरमदूल है। दिल्ली विच पंजाब दे अधिकारियों का कोई काम ही नहीं है। जे मॉडल कोई सीखण जाना हैगा तो उहदे लई ऑर्डर चाहिए सी, उहनां दी अपॉइंटमेंट चाहिए सीगी। चीफ मिनिस्टर जे जाऊ जे किसी स्टेट के अधिकारी जाणगे उत्थों दे अपने बराबर के अफसरां नूं मिलणगे। जद चीफ मिनिस्टर नाल मीटिंग होंदी है वह चीफ मिनिस्टर ने आप बुलाई होनी है, तो इन्होंने आप दे है उन्होंने बिल्कुल पोचा ना कर। दिस इज टोटली जोड़ा है हिंदू पंजाब सूबे की माण तो मर्यादा सट बची है। नवजोत सिद्धू अज पहुंचे ने समराला, तुहानू की लगता है कि एक पास नवा प्रधान लग गया देवा सिद्धू साहब भी एक्टिव ने? देखो सिद्धू साहब का तो एक्टिव होना चाहिए भी है, उन्होंने कांग्रेस ने प्रधान बनाया सी, तो उन्होंने खास कहा कि मैं दर्शनी घोड़ाना रखना, तो उन्होंने जो खराब किया सिद्धू साहब हुण करनगे करनगे, करना चाहिए भी उन्होंने तो बनता ही है। देखो ना जिहड़ा उन्होंने वचन करके पहला उन्होंने कैप्टन साहब के गल पाया, पंजाब का माहौल खराब बिगाड़िया, फिर मुड़ के उन्होंने घर बिठाया, तो सिद्धू साहब लई तां कुदरती आ, सरदार भगवंत सिंह के लड़के ने उन्होंने अपने खून का दिखाउणा चाहिए जलवा एक जरूर। एक साधु सिंह धर्मसोत ते भी जिहड़ा बयान दिता चीफ मिनिस्टर ने कि स्कॉलरशिप मामले दे विच, देखो मैं समझदा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत वधिया बयान दिता कि असीं उसको करांगे, पर करनी पऊगी। देखो बहुत पुराने कपले ने जिन्हां नूं आम आदमी पार्टी के लीडर कांग्रेस सरकार वेले कहिंदे रहे ने, भावें वह फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के होण, भावें इन्हां दे घोटाले दे होण, भावें होर घोटाले होण, वह सारयां दे समां निश्चित करके समय बद्ध विच उन्हां नूं वह सारे मसले दे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए है। हाँ इस गल नाल मैं सहमत नहीं गा कि इनकुआरी करन तो ही पहला वह कह दिंदा कि मैं धर्मसोत नूं जेल भेजूंगा, ये गलत गल है, क्योंकि हर कानून नूं पहला कानून अपना काम करे, जे कानून विच इहो दोषी पाए जाण तो उन्होंने अंदर जाण। पर जिहड़ा मुख्यमंत्री पहला ये गल कही जाए बिना किसी इनकुआरी दे बिना किसी तफ्तीश दे कि मैं अंदर भेजूंगा, ये कानून की मर्यादा दे उल्टा है। उन्होंने ऐण कहना कि चले हुए कारतूसा का पता नहीं खोल ज़्यादा करना होंगे, चलन वाली जिहड़ियां छोटियां पैलेट्स होंगे ना 12 बोर दियां शरलियां नालों वड्डे बंबा दे खोल भी ज़्यादा कम दे हुंदे ने, ते उन्होंने ये कहना माते भुलेखा रखन कि कदे कोई पार्टी अकाली दल नूं मार सकणगे, ये समय ही दसूगा। इस जिन्ना कु उन्होंने गप्पां मारियां सी उन्ना कु उन्होंने फल मिल गया, आने वाला हुण समां उन्हां दा इम्तिहान दा।